हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। जी हाँ, सही सुना आपने, हिस्ट्री। बहुत बोरिंग होती है, आई नो, पर पढ़ना तो है, क्या करें। तो चिप्स, चॉकलेट जो भी है आपके पास लेके बैठ जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबका स्वागत है लर्न ग्रो लीड पर। एंड आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लासिक्स का चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ वाइज आज आपको पता ही है, हम मूव ऑन करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट जो सीटेट के लिए है वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले पैराग्राफ में यही दिया गया है कि जो कल है उसके बारे में हम, और हमें पता नहीं है कल क्या हुआ था, तो उसके बारे में हम न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं या टीवी से देख सकते हैं, रेडियो से देख सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं। और लास्ट ईयर के बारे में हमें नहीं पता हो तो हम किसी से पूछ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग 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 अगो, यानी कि 250 और 3500 साल पहले क्या हुआ था, हमें कैसे पता। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमारा दिया गया है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या एक्चुअली जान सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, दैट इज़ के व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे वो, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स थे वो, व्हाट वेयर वर द हाउसेज एंड हाउ वर द हाउसेज, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट लाइव्स ऑफ द डिफरेंट पीपल्स सच एज हंटर्स, जो एनिमल्स को हंट करते थे अपनी ज़रूरत के लिए। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट हर्डर्स, जिसे हम चरवाहों बोलते हैं, फार्मर्स जो कि हो गए हमारे किसान, मर्चेंट्स जिसे हम बोलते हैं व्यापारी, जो पिछले एशियन टाइम्स में अपना व्यापार करते थे, प्राइस्ट जिन्हें हम पुजारी बोलते हैं, जो कि कोई भी रिलीजन के लिए कोई सेरेमनीज परफॉर्म करते थे, एंड ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशंस एंड साइंटिस्ट। इन सब के बारे में हम पास्ट के, ये सब पास्ट में जो थे इनके बारे में हम पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स ऑफ द रिवर यानी हो गई हमारी नदी के किनारे, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे करीब 1000 ईयर्स के लिए, बहुत सालों से। सम ऑफ दी अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वो हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स यानी ये लोग जो अपने फूड के लिए गैदर करने करते हैं, उन्हें स्किल गैदरर्स बोलते हैं। दे न्यू अबाउट दी वास्ट वेल्थ ऑफ दी प्लांट्स, उन्हें पता था कि अपने जो उनके जो सराउंडिंग्स में प्लांट्स हैं उनके बारे में, एंड उन्हें वहाँ के फॉरेस्ट के बारे में भी पता था। वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें मिल सकती थी, जैसे कि हो गए रूट्स, हो गए फ्रूट्स, हो गए एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो उनके फूड फूड के लिए ज़रूरी था, उनके सर्वाइवल के लिए जो कि ज़रूरी है। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को वो एनिमल्स का शिकार करते थे अपनी ज़रूरतों के लिए। सो वी हैव कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें बताया गया है, नाउ फाइंड दी सुलियामिन एंड किरथार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। सो लेट्स सी, ये हमारा है सुलियामिन एंड किरथार, ये इन्होंने बोला है नॉर्थ वेस्ट में है हमारा। तो नॉर्थ वेस्ट यानी दिस पार्ट, बेसिकली ये पाकिस्तान साइड हो गया, इस साइड में हमें ये मिलेगा। एंड यहाँ पे ये दीज वर सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बाले। तो ये कुछ ऐसे एरिया थे एशियन टाइम्स में जहाँ सबसे पहले लोगों ने अपने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे, जैसे कि व्हीट एंड बाले, इनमें से जो क्रॉप के नाम जो उन्होंने ग्रो किए थे करीबन 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स अगो। पीपल ऑल्सो बिगेन रेनिंग एनिमल्स, रेनिंग एनिमल्स यानी एनिमल्स को पालना, लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। इन वहाँ पर उन्होंने ये एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया एंड उनको, उनके साथ ये सारे विलेजेस में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट इन एंड द विंध्यालाज इन द सेंट्रल। सो लेट्स सी, गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज दिस एंड वी कैन सी गारो हिल्स आर हियर एंड विंध्यालाज इन द सेंट्रल इज दिस। These were some of the
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. दीज जो सम ऑफ दी एरियाज वे एग्रीकल्चर डेवलप, तो यहाँ ये एरिया है जहाँ पे खेती सबसे पहले डेवलप हुई थी. दीज प्लेसेज द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड आट दी नॉर्थ ऑफ दी विंध्यास. विंध्यास अभी हमने देखा था सेंट्रल में है, उसके नॉर्थ साइड में वहाँ पे हमारे राइस सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट हुए थे. फिर यहाँ पे दिया गया है अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ दी अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश, फ्लरिश यानी ग्रो करना ऑन दी बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स. बैंक्स यानी अभी मैंने आपको बताया था नदी के किनारे. लेट अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन दी बैंक्स ऑफ दी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग दी सी कोस्ट. यानी ये इसमें बताया गया है कि 2500 साल पहले जो सिटीज़ डेवलप हुई थी वो गंगा के किनारे, बैंक्स ऑफ दी गंगा यानी गंगा के किनारे पे डेवलप होने लगी थी. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज यानी हम बोलते हैं जैसे कि छोटी छोटी जो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में, बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोलती है. एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, सी कोस्ट हो गया हमारी यानी समुद्र तट जिसे बोलते हैं उसको हम सी कोस्ट बोलते हैं. तो ये तीनों जगह पे सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. पहले टाइम में जो एरियाज था इस रिवर के सराउंड में था उसको हम मागधा बोलते थे. एंड नाउ इन द प्रेजेंट द मागधा इज़ इन द बिहार स्टेट. Its rulers were very powerful and set up a large kingdoms. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. जो यहाँ के kingdoms से बहुत ज़्यादा powerful थे and पूरी country में अलग अलग जगह में इनके kingdoms थे. Throughout people traveled from one part of the subcontinent to other. The hills and the high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and the seas were made journey. एंड सॉरी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल. तो जर्नी कभी इम्पॉसिबल नहीं हुई, डेंजर जरूर थी बट स्टिल लोग ट्रैवल करते थे एंड अभी भी किया करते हैं. एंड बहुत ये क्यों किया करते थे, बिकॉज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड इज़ हमारा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, आम भाषा में रोजी रोटी के लिए ट्रैवल किया करते थे. एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स. फ्लड्स एंड ड्राउट्स बचने के लिए इधर उधर एक जगह से एक जगह दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. इट वॉज मैंडेटरी. एंड फिर हमें बताया गया कि जो हमारे थे कुछ मैन थे वो आर्मी बना के चल पड़ते थे. एंड किस चीज़ के लिए, जीतने के लिए, कॉन्करिंग करने के लिए यानी जीतने के लिए अदर लैंड्स को, अदर लैंड्स को पे अपना हक जमाने के लिए, उनको अपने कब्जे में करने के लिए. एंड जो हमारे मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, वो ट्रैवल करते थे कारवैंस या फिर शिप्स में. कारवैंस एक टाइप ऑफ ट्रक होता है बड़ा सा, या फिर शिप्स में, जिसमें वो अपने वैल्यूबल गुड्स को कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं. तो इस पैराग्राफ में मेनली ये बताया, पूछा गया है क्वेश्चन फॉर्म में, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. तो पहले जो था उसमें आप यहाँ पे दिया गया कि मैप में देखिए, वहाँ पे देखिए हिल माउंटेन्स एंड सीज को फॉर्म दी नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट. नेचुरल फ्रंटियर्स लाइक प्राकृतिक सीमाओं यानी कि इन्वायरमेंटल कुछ लिमिटेशंस थी ये फॉर्म करते. तो यहाँ बताया गया है दीज मूवमेंट्स ऑफ द पीपल एनरिच द कल्चर ट्रेडिशन. तो एनरिच यानी मतलब हो गया हमारा और ज़्यादा इम्प्रूव करना. एनरिच का मतलब इम्प्रूव करना आ कल्चर यानी हमारी संस्कृति एंड ट्रेडिशंस यानी हमारी परंपराएं. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स यानी स्टोन्स को कट अलग फॉर्म में करके कट करना एंड उन पर लिखना. कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ईयर्स. मतलब स्टोन पे लिखना. सो आजकल तो इतना ईजी है, यू हैव सो मैनी थिंग्स. आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉसिबल था पहले काम. फिर इस पैराग्राफ में बताया गया है नेम्स ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री वो इंडिया एंड भारत. इंडिया एंड भारत दो ऐसे वर्ड है जो हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते थे. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इंडस से आया हमारा इंडिया वर्ड फ्रॉम एंड विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. तो इंडस को हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में. तो जो और हमारे इरानियंस एंड ग्रीक्स थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले, वो हमारी कंट्री को बोलते थे हिंदोज या फिर इंडोज ये बोलते थे. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. तो इंडिया का जो ईस्ट साइड है उसको
सिर्फ ईस्ट साइड, उसको इंडिया बोला जाता था. द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के साइड के जो लोग थे उनको भारता बोलते थे. तो यानी ये मतलब एक ही कंट्री में इन्होंने अलग अलग है तो दो नाम ही भारता है, मतलब एक ही नाम है भारत एंड इंडिया, एक ही चीज़ है, एक ही कंट्री के लिए है, बट अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों को ये दो नाम से बुलाते थे. एंड हु आर मैंशन ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. तो ऋग्वेदा एक संस्कृत की बहुत ही सबसे पहली एंड बहुत पुरानी एक कंपोजिशन है जो 3500 ईयर्स अगो थी, और ये अब उसके बाद हमारी कंट्री के लिए यूज़ हुई. फिर इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं. यहाँ पे बताया गया हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. ऑन वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. तो कुछ ऐसी किताबें थी लिखी गई जिनको हम पढ़ के अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते थे, एंड उनको हम बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट. एंड जो मैन्यू वर्ड है इट्स अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज हैंड. दीज वर यूजली रिटन ऑन पाल्म लीफ और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नोन बिर्च. तो बिर्च एक ट्री था जो हमें हिमालय में मिलता था, तो उसकी बार्क से प्रिपेयर हुई लीव उस पर लिखा जाता था, उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे. एंड कुछ सालों के दौरान ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी, कहीं कुछ तो कीड़ों ने खा ली एंड सम वर डिस्ट्रॉयड, पर बहुत सारी ऐसी थी जो प्रिजर्व कर ली गई टेम्पल्स में या फिर मोनेस्ट्रीज, यानी हमारी जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं. मॉन्क्स यानी जिनको हम बोलते हैं भिक्षुओं, वहाँ पे जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं उनको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं. तो ये जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट थी कहीं तो हमारी टेम्पल्स के ज़रिए प्रिजर्व हो गई एंड कहीं मोनेस्ट्रीज के ज़रिए. दीज बुक डील्स विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस. ये जो बुक्स थी इसमें सारे सब्जेक्ट्स थे, सारे रिलीजियस बिलीव थे, प्रैक्टिस थी, और इनमें ये भी बताया गया था कि हमारे जो किंग्स थे उनकी लाइफ्स कैसे थी, मेडिसिन कैसी थी, साइंस कैसा था. एंड बिसाइड देयर वो एपिक पोएम प्लेस, और पोएम्स एंड प्लेस भी हमें इन सब के बारे में हमें इस मैन्यूस्क्रिप्ट में बताया गया था. एंड मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट थी, मतलब ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो संस्कृत में लिखी गई थी. एंड जो कुछ जो संस्कृत में नहीं थी वो प्राकृत एक लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा यूज़ किए जाती थी उसमें लिखी गई थी या फिर तमिल में लिखी गई थी. तो ये दे रखा है यहाँ पे. एंड वी ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. अब इंस्क्रिप्शन होते हैं हमारे कुछ जैसे जिसे बोलते हैं गड़े हुए वर्ड, जिसमें कोई मेटल में या कोई स्टोन में किसी हार्ड सर्फेस पे, ताकि ईजिली रीड कर सके. वर कहाँ थे हम, हाँ, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस. सी आई टोल्ड यू समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम. तो कई बार ऐसा होता था कि जो किंग्स होते थे वो अपने जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए होते थे वो ये इंस्क्राइब करा लेते थे किसी स्टोन या मेटल की सरफेस पे, ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं जिनके लिए ये ऑर्डर्स इन्होंने रखे हैं वो इनको पढ़ के ओबे कर सकें. देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वेमेन इंक्लूडिंग किंग रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. एक्चुअली मतलब क्या करते थे ये लोग पास में, उन चीज़ों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए भी ये इंस्क्रिप्शंस बनाते थे. एंड फॉर एग्जांपल दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज इन बैटल, कितने बैटल इन्होंने जीते, उनकी विक्ट्रीज, उन सब के बारे में ये इंस्क्रिप्शन में लिख देते थे. फिर यहाँ पूछा गया कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस राइडिंग ऑन हार्ड सर्फेस एंड द डिसएडवांटेजेस. तो ये आप खुद सोचिए. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. तो ये जो पुराने हमारे ancient times में, पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें बनी थी जिसके बारे में हम past में के बारे में जान सकते हैं, उन चीज़ों को study करने वाले उन लोगों को हम बोलते हैं archaeologists. तो ये आर्कोलॉजिस्ट और भी जो कोई बिल्डिंग बनाई थी रिमेनिंग जो बची हुई हैं और स्टोन्स की बनी थी या ब्रिक्स की बनी थी या कोई बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं एंड स्कल्पचर्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनको भी आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं. एंड फिर यहाँ पे दिया गया दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट. एक्सकैवेट यानी डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सर्फेस के अंदर बिल्कुल
डिग करके वहाँ से दे फाइंड आउट टूल्स, वेपन्स, बोन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीज़ें निकाल के, एंड फिर उसके बारे में ये लोग स्टडी करते थे. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बिग क्ले और मेटल. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये यहाँ पर बताया गया कि जैसे हमने पढ़ा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो मेड बाय पाल्म मेड वो मेड ऑन पाल्म लीव्स एंड द काइंड ऑफ लीव्स. तो वो हमने पढ़ा था कुछ इंसेक्ट्स ने खा ली थी एंड कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी, इम्पेरिशेबल सब्सटेंस नहीं थे तो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं हो पाए. तो ये जो जैसे टूल्स हो गए एंड बोन्स हो गई, दे दीज आर इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज एंड ये लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करती हैं. एंड फिर इस पेज पे इतना ऐसा कुछ इस बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पे ये बताया गया कि आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, एंड फिर क्या लोग खाते थे एंड जो वुडन के वुड बर्न हो जाती थी उनके पीसेस रह जाते थे उनके बारे में स्टडी करते थे. एंड फिर यहाँ दिया गया हिस्टोरियंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन के ज़रिए पता करते थे कि एज अ सोर्स उसको यूज़ करके पता करते थे पास के बारे में. फिर इस पैराग्राफ में बताया गया वन पास और मैनी, पूछ रहा है कि एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आ पास्ट, आपने नोटिस किया आ पास्ट है हमारा, आर पास्ट नहीं है. तो इट्स इन द प्लूरल फॉर्म, आई होप यू नो प्लूरल एंड सिंगुलर टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. इसमें यह बताया गया कि एक पास्ट नहीं था, बहुत सारे पास्ट थे क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइडेड थे, तो सबके लिए अलग 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 पास थे. फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हेड्रोज और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस. तो हेड्रोज एंड फार्मर्स की ऑब्वियसली जो लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी किंग्स एंड क्वींस से. सो दोनों की लाइफ में डिफरेंस है. द लाइफ्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स की लाइफ डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन से एंड सो ऑन. तो यानी अलग अलग लोग थे एंड अलग अलग ग्रुप्स थे तो सबकी लाइफ डिफरेंट थी. ऑल्सो इट इज़ ट्रू इवन टुडे, यानी अब आज भी इवन इन द प्रेजेंट इट्स ट्रू, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स. Of the country. For example, today most people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and most of the people living in cities depend on other supplies of food. इसमें समझ ही गए होंगे आप, ये बताया गया कि अंडमान आइलैंड के जो लोग थे वहाँ पे वो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फूड, वो खुद ही कलेक्ट करते हैं बाय फिशिंग, हंटिंग एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बल्कि और जबकि सिटीज़ के लोग हैं हमारे जैसे, हम और लोगों पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के सप्लाई के लिए. तो डिफरेंस ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज वर एग्जिस्टेड इन दी पास्ट एज वेल. फिर यहाँ बताया गया है बिसाइड दी देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. वी नो ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड अदर बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फोक गैदरर्स, फार्मर्स और हेड्रोज डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, व्हाइल आर्कियोलॉजी कीप्स अस टू फाइंड अबाउट व्हाट देयर लाइव्स वो लाइक. तो यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग लोग थे, अलग अलग लाइफ थी, वही सेम चीज़. जो किंग्स एंड क्वींस थे वो तो अपने रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब करा लेते थे इंस्क्रिप्शन पे, मेटल या हार्ड सरफेस पे. बट ऑर्डनरी लोगों के लिए जैसे हेड्रोड्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये अपने रिकॉर्ड को ही नहीं रखते थे. तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजी है हमारी, इसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया गया है व्हाट डू डेट्स मीन. तो इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर. हम बता देंगे 2019 चल रहा है. दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर्स बी सी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट added on. So आपने देखा होगा कहीं लिखा होगा BC and the date, that BC is before Christ, यानी the Christ who was the founder of Christianity was born. It's the time before that. In this book we will refer dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो
तो 2000 का इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, तो मोस्टली डेट्स आपको बीसी फॉर्म में ही मिलेंगी। एंड यहाँ पे फिर वही हमें डेट्स के बारे में बताया गया है। बीसी हैव्स बीन बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड वी ऑल्सो स्टडी एडी। एडी इज एनो डोमिनी विच इज़ लाइक ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिस जो लॉर्ड का ईयर था प्रेजेंट ईयर उसको। सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2005। समटाइम्स सी इज़ यूज इंस्टेड ऑफ डेडी एंड बी सी इंस्टेड ऑफ बी सी। द लेटर सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा एंड बी सी ई फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो हमारा जो एडी है हम उसको सी ही भी बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉमन एरा। एंड हमारा बी सी है बिफोर क्राइस्ट, उसको हम बी सी ई भी बोल सकते हैं, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा। सो यही है यहाँ पे। एंड बी पी के बारे में दिया गया, बिफोर बी पी इज़ बिफोर प्रेजेंट। ओके, फिर ये हमें कुछ इंस्क्रिप्शन के फॉर्म दिए हुए हैं। यहाँ पे ये दिया गया है दैट द एल लेटर डिनोट्स लाइन एंड ए लेटर डिनोट्स बर्ड, ऐसे पी लेटर डिनोट्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसलिए फॉर्म आउट किया हुआ है ये के जिससे कि लोग पढ़ सके एंड पता लगा सके कि एल क्या डिनोट करता है। एंड इसको पढ़ते पढ़ते फिर दिल कम टू नो वॉट लेटर स्टैंड फॉर वॉट, ताकि वो और इंस्क्रिप्शन पढ़ सकें। तो हियर आवर चैप्टर एंड्स, दिस इज द मैथ्स द फॉलोइंग, प्लीज प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर एक्सरसाइज ज़रूर परफॉर्म करें एंड मोस्टली द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स फॉर 3 to 4 pages। आप ऑब्जेक्टिव टाइप करें क्योंकि यही सीटेट के एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द चैप्टर। वी विल ऑल्सो डू दी MCQ, इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर दिस चैप्टर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। इफ यू डू हैव एनी डाउट और सजेशन कमेंट डाउन बिलो, आई एल श्योरली रिप्लाई। एंड टिल दैन प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।